जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु। एक दो लाइन प्रभु भक्ति की बहुत सुंदर बताई गई है। भक्ति पर्व चल रहा है। क्या जीत सकेगा काल उसे, क्या जीत सकेगा काल उसे, जो प्रभु की याद में जीता है। मिलता है प्रभु का प्यार उसे, जो प्रभु नाम का अमृत पीता है, जो प्रभु नाम का अमृत पीता है। हो 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 पंच परमेष्टि के नाम स्मरण का अमृत जिसने पी लिया है, वह काल और कर्म दोनों को जीत लेता है। नौपद की महिमा का वर्णन बताते हुए, नौपद की महिमा क्या है, नौपद का महत्व क्या है, यह बताते हुए घटना आपके सामने आ रही है। भगवान महावीर के प्रथम पट्टधर शिष्य गणधर गौतम स्वामी ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए राजगृही नगरी के बाहर गुणशील उद्यान में पधारे हैं और मगध सम्राट श्रेणिक उनके दर्शन वंदन एवं देशना श्रवण करने के लिए पहुँचे। देशना सुनी है और उस देशना के अंतर्गत नौपद की महिमा को सुना है। अब आइए किस प्रकार श्रीपाल कथानक का जन्म हुआ, कैसे निर्माण हुआ, उस घटना को हम आगे सुने। जैसे ही नौपद की महिमा को सुना है गणधर गौतम स्वामी के मुखारविंद से, यह सुनकर के श्रेणी के मन में जिज्ञासा हो गई और हाथ जोड़कर के वंदन करते हुए पूछते हैं, भगवान अभी अभी आपने नौपद की महिमा का वर्णन किया है, परंतु किसने इस नौपद की आराधना की है और उसको कौन से फल की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की है। और देखिए जिज्ञासा ही आविष्कार की जननी होती है। इस दुनिया में जो भी जितने भी शोध लगे हैं, जो कुछ भी हुआ, उसके पहले किसी न किसी व्यक्ति की जिज्ञासा रही है। प्रश्न रहे कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, इस प्रकार कहीं ना कहीं जिज्ञासा होती है और उस जिज्ञासा के फलस्वरूप कुछ न कुछ नई चीज सामने आती है। जैसे गौतम स्वामी की जिज्ञासा ने आगमों का निर्माण किया और श्रेणिक की जिज्ञासा ने श्रीपाल कथानक का निर्माण किया। आपको जिज्ञासा होती है और क्या निर्माण करते हैं, जिज्ञासा होती या नहीं? जिज्ञासा होती नहीं, करते ही नहीं। जिज्ञासा तो है लेकिन करते ही नहीं, पूछते ही नहीं है, बस सुन लिया, सुन करके छोड़ करके चले गए। ये सुनना नहीं है, टाइम पास मात्र होता है। सुनो लेकिन कैसे सुनो, उसको सुन करके भीतर में ग्रहण करो, उसके ऊपर चिंतन मनन करो और कुछ ना कुछ जो चीज़ नहीं समझ में आती है, गुरु से जाकर के समाधान प्राप्त करो, जाकर के पूछो उनको कि आज आपने ये बात फरमाई, ये समझ में नहीं आई है, अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। बंधुओं ऐसी जिज्ञासा करेंगे तो ही सुनाने वाले को भी लगता है कि सुनने वाले ने सही ढंग से सुना है। सुनने के बाद जिज्ञासा होनी ही चाहिए तो ही वो सुनना सार्थक होता है। जैसे श्रेणिक ने सुना और जिज्ञासा हो गई तो नया कुछ मिला है, तो आप भी जिज्ञासा कीजिए। परंतु जिज्ञासा शून्य नहीं है, हर एक को जिज्ञासा तो होती है, लेकिन कैसी जिज्ञासा होती है आपकी? कोई भी नए साधु साध्वी आए तो क्या जिज्ञासा होती है, मार साहब आप कठारा हाँ कौन से गांव के, आपने क्या पढ़ाई की, फिर आपने दीक्षा ही क्यों ली, संसार शादी क्यों नहीं की, ये इस प्रकार की जिज्ञासा होती। एक दूसरे को मिलते तो क्या जिज्ञासा होती है, कितना बेटी कितना बेटा, किरो ब्याह हुयो, किरी बहु आई, कठू नाई, कई लाई, यो सब इस प्रकार दुनिया भर की जिज्ञासा आपको होती है। लेकिन जिज्ञासा ऐसी करो, ये जिज्ञासा कर्म बंद कराने वाली है, लेकिन ऐसी जिज्ञासा जो आत्मा का समाधान कर दे। हमारे मन का समाधान नहीं, आत्मा का समाधान कर दे कि जीवन कैसे जीना है,
इस संघर्षमय इस जीवन इस संसार में हम जी रहे हैं, परंतु हम कैसे शांति से आनंद से कैसे जीवन जी सकते हैं, हम कर्मों से कैसे बच सकते हैं, हम कषायों से कैसे बच सकते हैं, अपने असाता और अशुभ कर्मों की निर्जरा हम कैसे कर सकते हैं, इस प्रकार की आप जिज्ञासा कीजिए, उसका समाधान आपको जरूर मिलेगा। तो जिज्ञासा जहाँ है वहाँ पर कुछ न कुछ नया आविष्कार जरूर होता है। तो यहाँ पर श्रेणी की जिज्ञासा व्यक्त हुई है और गणधर गौतम स्वामी ने उसके फलस्वरूप श्रीपाल कथानक का वर्णन किया है, जो हमारे जैन धर्म दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी मार साहब जिन्होंने 732 गाथा के अंदर ये श्रीपाल चरित्र का वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर बहुत ही रोचक वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। इसी प्रकार रत्नशेखर सूरी जी मार साहब उन्होंने भी इसका वर्णन किया है, श्रीपाल कथानक का वर्णन किया है। तो आइए यह घटना शुरुआत करते हैं। चौथा रामायण नगर एक चंपापुरी सुखकारी, सिंहरत राजा राज करे वहाँ जैन धर्म का धारी, हो श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टी नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेश्री नव पद प्रेम से। गणधर गौतम स्वामी फरमाते हैं राजा श्रेणिक से, उस काल उस समय में चंपापुरी नाम की नगरी थी, जहाँ पर सिंहरथ नाम के राजा राज्य करते थे, जो राजा के समस्त गुणों से युक्त ऐसे शूरवीर सिंहरथ राजा थे। उनकी कमल प्रभा नाम की महारानी थी, जो समस्त श्रीयोचित गुणों से रानी के गुणों से युक्त ऐसी कमल प्रभा महारानी थी। सब कुछ था, सत्ता है, संपत्ति है, सौंदर्य है, सब कुछ है, परंतु संतान नहीं है। संतान के बिना वह राजमहल सुना सुना लगता था। महारानी कमल प्रभा माँ के मातृत्व से अभी पूर्ण नहीं बनी हुई थी, अभी तक वह अधूरी थी। माँ का मातृत्व जिसको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था, उसकी गोद सुनी थी। और घर घर तभी लगता है जब बच्चों की किलकारियों से गूंजता है, बच्चों के बिना वह घर भी सुना सुना लगता है। आज संसार की स्थिति यही है बंधुओं, कई जगह देखते हैं कि दांत है तो चने नहीं है, और चने हैं तो दांत नहीं, खाने वाले दांत नहीं। ये संसार की स्थिति है, ये कर्म का रंग है, कर्म के इस रंग के आगे किसी का जोर चलता नहीं है, जैसा होगा वैसा ही मिलता है। बगीचे के अंदर बहुत तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन उस पर एक भी फल या फूल नहीं है, तो वह बगीचा कैसे लगता है, सुना सुना लगता है। वैसे ही बच्चों के बिना घर यह सुना सुना लगता है। जब तक संतान घर में नहीं आती है, तब तक उसके लिए कितना कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितना कितना प्रयत्न करते हैं संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। अरे मंत्र तंत्र पीर फकीर पत्थर पत्थर पूछते हैं लोग, कहाँ कहाँ पर जाकर के क्या क्या इलाज करते हैं, कितनी कितनी मन्नतें मांगते हैं। एक घटना याद आ रही है मुझे, आगरा की सत्य बनी हुई घटना। संतान प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न किए, सब कुछ इलाज किए, परंतु कुछ हुआ नहीं है। आखिर किसी अघोरी बाबा के चक्कर में फंस गए। सत्य बनी हुई घटना है आगरा की। अघोरी बाबा के चक्कर में फंस गए और उसने कहा कि किसी बच्चे के ताजे खून से स्नान करेगी तो ही इसको संतान हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। दोनों पति पत्नी ने सोचा कि नहीं नहीं, ऐसा तो इलाज नहीं करना है। किसी के घर का चिराग बुझा करके हमें अपने घर में चिराग जला करके कौन सा सुख मिलने वाला है, ऐसा तो नहीं करना है। परंतु कामना इच्छा बड़ी बलवान होती है, और उस इच्छा के कारण उस कामना के कारण आखिर बहुत मन को मनाया, आखिर मन नहीं माना। एक दिन वह कुकृत्य उन्होंने कर लिया। पड़ोसी का ही छोटा सा बालक था, बड़ा सुंदर बालक था, उसको मार के उसके खून से उस बहन ने स्नान किया है। और आखिर क्या हुआ, कुछ दिन कुछ ही घंटों के बाद में उनका यह कुकृत्य सामने उजागर हो जाता है, उसका विस्फोट हो जाता है, दोनों को जेल की हवा खानी पड़ती है। क्या मतलब हुआ,
क्या मतलब हुआ, अरे देवी देवता के पास जाकर मन्नत मांगते हैं कि संतान चाहिए संतान चाहिए, परंतु देवी देवताओं के पास धन की तरह पुत्रों का खजाना थोड़ी भरा हुआ है जो उठा करके आपको दे देंगे। परंतु पता नहीं लोगों के मन में ये धारणा कब से चली आ रही है। अभी नवरात्रि के अंदर भी क्या करते हैं, कुल देवी के मंदिर में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे और कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, कुछ न कुछ मांगते ही रहते। एक दूसरी सत्य घटना मुझे याद आ रही है, अहमदाबाद की घटना। पूज्यवर कई बार फरमाते थे इस घटना को कि बेटा चाहिए, पहले दो बेटियां थी परंतु बेटा चाहिए, और पता नहीं ये बेटे के पीछे न जाने कितनी लाइन भी लग जाती है, बस बेटा चाहिए, कुल दीपक चाहिए, कुल को वंश को चलाने वाला चाहिए। ऐसी एक भावना घर के जो भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं या जो भी लोग हैं, उनकी एक भावना रही कि कुल दीपक चाहिए। बहुत इन्होंने प्रयास किए, परंतु ऐसे ही वो भी कुलदेवी के मंदिर में जाकर के उन्होंने मन्नत मांगी कि हे देवी माँ, आपकी कृपा से यदि बेटा हो गया तो हम दोनों पति पत्नी जो है नाक रगड़ते हुए इस पहाड़ी पर चढ़ कर के आपके मंदिर में आएंगे और पूजा करेंगे। इस प्रकार उन्होंने मन्नत मांगी है और देवी योग से एक नहीं दो पुत्रों की प्राप्ति हो गई। अब तो इतनी खुशियां माँ बाप को मिल गई है कि एक नहीं भगवान ने दिए दो दो पुत्र दे दिए, सारा ध्यान उन पुत्रों के प्रति है, पुत्रियों के प्रति कोई ध्यान नहीं है। और अक्सर देखा जाता है लड़की बड़ी है और बाद में अगर लड़का हो जाता है तो सारा माता पिता का परिवार वालों का ध्यान लाड़ प्यार सारा उस लड़के के प्रति, वो लड़की के प्रति कोई ध्यान नहीं होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, लड़कियों के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया गया, वह अपने आप पढ़ाई करके आगे अपने कार्य में आगे जुट चुकी हैं। इधर जो है दोनों लड़के युवा हुए हैं, अति लाड़ प्यार का परिणाम देखिए कि वह बड़ा लड़का जो है उसने इंटरकास्ट लव मैरिज कर लिया, वापिस माँ बाप के पास आने का कोई काम नहीं। दूसरा छोटा बेटा था, उसने अपने जात में शादी की, लेकिन वह उसकी पत्नी जो है सास ससुर की सेवा नहीं करती है, ना ही ध्यान देती है। दोनों लड़कियों की शादी हो चुकी थी, एक लड़की बॉम्बे में रहती है, एक लड़की राजकोट रहती है। बॉम्बे वाली बेटी के घर माता पिता रहते हैं क्योंकि यह बेटा बहू उनको संभालते नहीं है। आखिर बेटी के घर दोनों माँ बाप हैं, माता पिता को दोनों को मन में बड़ा दुख हो रहा है कि हमने जन्म से इन दोनों लड़कियों के प्रति ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान लड़कों के प्रति दिया, आखिर आज सार संभाल कौन कर रही है, लड़कियां ही कर रही हैं। एक दिन माँ ने बड़ी बेटी से कहा, बॉम्बे वाली बेटी से कहा जिसके घर में रहते थे, कि बेटा मन में बहुत वेदना है, बस सोच रही हूँ कि एक बार तुमसे तो मैं क्षमा मांगती ही मांगती हूँ, लेकिन छोटी बेटी से भी एक बार मिलना चाहती हूँ, उससे क्षमा याचना करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम दोनों ने ही हमारी वृद्धावस्था में जो है तुम दोनों ने ही ध्यान दिया है, इसलिए उससे भी मिलना चाहती हूँ। माँ ने भावना व्यक्त की, बेटी ने कहा कोई बात नहीं माँ, मैं तुम्हें राजकोट लेकर के चलती हूँ। माता पिता को लेकर के बेटी राजकोट जा रही है और अचानक रास्ते के बीच में ही माँ की तबीयत खराब हो गई। माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई, रास्ता जंगल का रास्ता था, क्या करे, आखिर ऊपर के जो भी उपचार थे वो किए हैं, परंतु कहते हैं आयुष्य के आगे किसी का कुछ चलता नहीं है। माँ की अंतिम सांस वहाँ पूर्ण हो चुकी है, माँ का देहावसान हो गया है। यह देख कर के उस बेटी को बहुत दुख हुआ और उसने तुरंत जो है अपने बड़े भाई को फ़ोन करके कहा कि भैया इस प्रकार की घटना, अघटित घटना हो चुकी है, हम यहाँ पर हैं, आप जल्दी आ जाइए। तब देखिए वो बेटा क्या जवाब देता है, वो बेटा कहता है बहन मैं अभी बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ, मैं आ नहीं सकता हूँ, मैं पैसे भेज दूंगा, आप अंतिम संस्कार तुम ही कर दो। क्या स्थिति है ये, क्या स्थिति है ये, अरे जिस बेटों के लिए नाक रगड़ते रगड़ते माँ बाप पहाड़ी पर चढ़ करके मंदिर में गए थे, आज वो बेटा अंतिम संस्कार करने के लिए भी आ नहीं पाया है। ये स्थिति है, ये संसार की स्थिति है, सत्य बनी हुई घटना है। बंधुओं, पिता रोने लगे हैं, तब उस बेटी ने समझाया, पिताजी आप रोइए मत, बेटा और बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हूं ना, मैं सारी माँ की अंतिम क्रिया मैं करूंगी। यह स्थिति है संसार की, बस बेटा चाहिए, कुल को चलाने वाला बेटा चाहिए। अरे बेटे के पीछे क्या क्या करेंगे आप लोग। आगमों में भी वर्णन आता है गत सुकुमाल के लिए,
कृष्ण ने हरिण गमेशी देवता की आराधना की थी, सुभद्रा ने हरिण गमेशी देवता की आराधना की। अरे देवी देवता की आराधना करके बेटा हो भी जाता है, परंतु वह बेटा आपके लिए सुख देगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 90% हम देखते हैं कि वो बेटे माता पिता को सुख नहीं दे पाते हैं। कुछ कुछ बच्चे आज है भी, ऐसे भी हैं कि जो माता पिता के लिए अपना सुख न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे भी हैं, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है। तो जो भी हो, पुत्र हमारे कुल को चलाने वाला है या हमारे वंश को चलाने वाला है, ये बात कभी मत सोचना। किसका वंश चला है? शांतिनाथ भगवान को कितने करोड़ों बेटे थे, रावण को करोड़ों बेटे थे, किसका वंश चला है? है किसी का वंश का कुछ अता पता है? अभी कुछ भी नहीं है। फिर क्यों बेटे के पीछे, बेटा और बेटी एक ही है, उसके पीछे इस प्रकार की घटनाएं घटित हो जाए? आज भी हम लोग देखते हैं, विचरण करते हैं, आपकी पूना जैसी, बॉम्बे जैसी सिटी, आप बेटों के लिए इतना कुछ करते हो, उनको पढ़ाते लिखाते और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेज देते हो, और विदेश में जाकर के वो स्थायी हो जाते हैं। माँ बाप पीछे, घर में अकेले हैं, वृद्धावस्था में जब आवश्यकता होती है, बेटा बहू पोता पोती घर में हो, वह हरा भरा घर देखने की जब इच्छा होती है, उस समय क्या है, सुनसान है पूरा। अरे पानी के ग्लास भी चाहिए तो देने वाला कोई नहीं होता, ये स्थिति हमने देखी कई बार। बॉम्बे में भी जब चौमासे में थे, शेषकाल में भी थे, गोचरी के लिए जाते थे, ऐसे कांपते हुए हाथों से वो माँ जी आती थी और कुछ जो कुछ घर में रहता था वो बेराती थी। हम लोग देखते थे, पूछते थे कि माँ जी घर में और कोई नहीं है, तो कहते कि मार्सा बेटा बहुत सारे विदेश है, वहीं पर रहते हैं, साल में एक बार आते हैं। ये स्थिति आज की है। जिस बेटे के लिए आप इतना करते हो, जिसके लिए अपना सुख इतना छोड़ देते हो, इतना त्याग आप करते हो, लेकिन वो बेटा, तो बस यह मन में एक अपेक्षा मत रखना कि बस बेटा ही चाहिए। बेटा और बेटी में फर्क मत कीजिए, जो जैसा है वह अपना है, बस उसको संस्कार दीजिए, ऐसे संस्कार दीजिए कि वह आपका जीवन सार्थक कर दे, आपके लिए आपकी सेवा के अंदर वह अपना जीवन की सफलता समझे, ऐसे संस्कार उसके भीतर में आप भरिए। इसीलिए तो देखिए, अभी हमने मातृ पितृ पूजा का आयोजन क्यों किया है, बस यही कारण है कि उनको फील होना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है। जन्म देकर के जो हमको जीवन दिया है, इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है, ये फीलिंग उनको भीतर में, ये फीलिंग होनी चाहिए। इसीलिए आज मातृबंधुओं, यह अवसर बिल्कुल मत छोड़ना। जो भी हैं सुनने वाले और ऑनलाइन सुनने वाले भी, सभी ध्यान रखें, 2 तारीख को जो मातृ पितृ पूजा का एक बहुत सुंदर ये आयोजन है, एक भावनात्मक आयोजन है, बस इसीलिए है कि परिवार टूटे नहीं, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हमारा परिवार संगठित रहे, इसीलिए ये आयोजन किए जाते हैं। तो बस पिता बेटा और बेटी में फर्क ना करते हुए, और बेटे के लिए कोई किसी की आराधना न करते हुए, महारानी कमल प्रभा जो है, उसको भी मन में इच्छा थी कि एक संतान की प्राप्ति हो, लेकिन उसने कहीं पर कोई मंत्र तंत्र और कोई मंदिर पूजा आदि नहीं की है, परंतु दान पुण्य धर्म के इस आराधना के द्वारा एक दिन जो है महारानी कमल प्रभा एक सुंदर सलोने राजकुमार को जन्म देती है। बड़े ही बलवान, रूपवान, गुणवान ऐसे सुंदर पुत्र को महारानी ने जन्म दिया है। जन्म की शुभवार्ता दासी ने आकर के सिंहरत राजा को दी है। सिंहरत राजा खुशी से फूले नहीं समाए, अपना मुकुट छोड़कर के सारे आभूषण उस दासी को बधाई के रूप में दिए हैं और उसको दासकर्म से मुक्त किया है। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ है, पूरी नगरी सजाई गई है, सबको खूब बधाइयाँ बांटी गई हैं। पुत्र का जन्मोत्सव बड़े ठाठबाट के साथ, जोर शोर के साथ यह पुत्र जन्मोत्सव मनाया जाता है। 11 दिन पूर्ण होते हैं और 12वें दिन पुत्र का नामकरण का एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया गया है, और माता पिता ने यहाँ पर घोषणा करते हुए कहा कि यह पुत्र हमारे राज्यश्री की अभिवृद्धि करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम हम श्रीपाल रखते हैं। क्या नाम रखा? श्रीपाल नाम रखा है। देखिए, पहले के नाम भी कैसे होते हैं, गुणयुक्त नाम होते थे। आज कैसे नाम रखते हो? नेट के आधार पर नाम रखते हो, चिंटू पिंटू कुछ ना कुछ नाम रख देते हो। अरे कोई अर्थ होता है क्या? क्या चिंटू का अर्थ क्या होता है, पिंटू का अर्थ क्या होता है? कोई अर्थ नहीं होता है।
अरे ट्रिप्सिन पेप्सिन कुछ कुछ नाम बोलते भी नहीं आते हैं, वो उनके मतलब भी जल्दी समझते नहीं है, नेट के आधार पर से नाम रख देते हैं। परंतु आगमों के अंदर वर्णन आता है कि जब जब भी ऐसा प्रसंग आता था नाम ऐसे रखते थे, गुण संपन्न नाम रखते थे, ताकि बार बार उस नाम का उच्चारण होता रहे और उस नाम का जो गुण है वो गुण उस व्यक्ति के जीवन में उतरे, ऐसे नाम रखे जाते थे। तो यहाँ पर भी जो है श्रीपाल नाम रखा है। अब पूरा राजमहल जो है श्रीपाल की किलकारियों से गुंजायमान हो रहा है। माता पिता बड़े खुश हैं। पांच पांच ढाई माताओं के देखरेख में श्रीपाल आगे बढ़ रहे हैं, उनका पालन पोषण हो रहा है। पांच देशों की पांच ढाई माता होती थी। इसके पीछे कारण यही होता था कि पांच देश की पांच भाषा और पांच संस्कृति को बच्चा बचपन से सीख जाता था। तो इस प्रकार यह श्रीपाल पांच वर्ष के हो गए हैं। और एक दिन जो है अचानक राजा सिंहरथ को तीव्र उदरशूल की वेदना हुई है। मछली की तरह छटपटा रहे हैं चारों तरफ। सारे फकीर जो है, पीर फकीर को बुलाया गया, वैद्य को बुलाया गया, राजवैद्य सभी वहाँ पर पहुँच गए हैं। अपने अपने हिसाब से सभी इलाज कर रहे हैं, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा है। और आखिर वही हुआ जो नहीं सोचा था, वही हुआ जो नहीं सोचा था। महाराजा सिंहरथ के आयुष्य की डोर पूर्ण हो चुकी है और सारे राजवैद्य सामने खड़े होते हुए भी उनको कोई बचा नहीं पाया। उनका देहावसान हो चुका है, उनका देहावसान हो चुका है, राजा काल के गर्त में समा गए हैं। मौत की कोई निश्चित तारीख नहीं होती है, ना ही कोई निश्चित समय होता है, वह तो जब आनी रहती है आ जाती है। इसलिए कहा है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो कि मंजूरे खुदा होता है। बस कर्म के आगे किसी का जोर चलता नहीं है। कोई लाख करे चतुराई कर्म का, लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कितने दिन का स्थिरवास यहाँ, आखिर तो जाना पड़ता है। इस बसे बसाए डेरे को, एक रोज उठाना पड़ता है, एक रोज उठाना पड़ता है। माता मेरी व पिता मेरे, पत्नी मेरी सुत मेरा है। तज करके सारे संबंधों को, तज करके सारे संबंधों को, असहाय सिधाना पड़ता है, असहाय सिधाना पड़ता है। इस बसे बसाए डेरे को, एक रोज उठाना पड़ता है। महारानी कमल प्रभा के ऊपर अचानक यह वैधव्य का दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अरे बरसों के बाद तो ये खुशियां मिली थी, संतान नहीं थी, संतान हुई है, इतनी खुशियां मिली और भाग्य ने वो भी छीन ली है, भाग्य ने वो खुशियां भी छीन ली है। इस प्रकार महाराज के अचानक चले जाने से महारानी कमल प्रभा बहुत दुखी हो चुकी है कि अब ये क्या हो गया है, ऐसे कैसे हो गया है। इसलिए कहते हैं कि स्त्रीला जगण्यासाठी चिमुटभर मात्र कुंकूपूर्त, स्त्रीला जगण्यासाठी चिमुटभर मात्र कुंकूपूर्त, तेवढं वजा केलं तर खाली काय उरत, तेवढं वजा केलं तर खाली काय उरत, काहीच उरत नाही। पती के चले जाने से महारानी कमल प्रभा अत्यंत दुखी हो चुकी है। और देखिए आज आज भी इतिहास के अंदर कई ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं कि इस प्रकार असमय में वैधव्य का दुख जिन्होंने झेला, परंतु नारी सन्नारी वही होती है जो अपने दुखों का रोना रोते नहीं बैठती है, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती है। हमने देखा है माता हुलसा के जीवन में भी सेम यही घटना घटित थी। हमारे गुरुदेव बालक गोटीराम मात्र
पांच सात वर्ष के थे, पांच वर्ष के थे, और इसी प्रकार पिता का देहावसान हुआ। यहाँ पर भी वही घटना, लेकिन माता हुलसा ने भी अपने वीरत्व का परिचय दिया। इसी प्रकार महारानी कमल प्रभा भी बस अब सोच रही है कि मुझे श्रीपाल की सुरक्षा करनी है, श्रीपाल को संस्कारित करना है, मेरा कर्तव्य यह है। अब मुझे माता और पिता दोनों की ड्यूटी देनी है, और किस प्रकार महारानी कमल प्रभा अब श्रीपाल के जीवन की सुरक्षा कैसे करती है, उनको संस्कारित करने के लिए क्या कदम उठाती है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाती है, अवसर आने पर हम इसको देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर।